इसको आपने जो छाना है ना, ये जो छाना है, ऑयल अलग किया है और इसे छाने हैं, ये सारे मटेरियल को किसी पैक में मिला लेना आप, ठीक है। अगर मेरी मानो तो वो अनियन आलू प्याज वाला जो पैक बताया ना, उसमें सारी चीजें हमने डाली है, उसमें आप इसको ले सकते हो, इस पैक, इसको जो मसाला बचा है ना, इसको लेके और भिजो के उसके साथ में, और उसे मिक्सी में पीस लेना अच्छे से, ठीक है। इसका ये काम करना है आपको, ओके। अब देख लेते हैं इसमें हमें क्या मिलाना है और फिर इसे लगाना कैसे है और कितने दिन तक रख सकते हैं और क्या क्या इसका मतलब किस किस काम में ये काम आता है, तो वो चीजें मैं आगे बताऊंगी, ओके। देख लो, मैंने छान के लिए ले लिया है। मैंने कम से कम दो हफ्ते या तीन हफ्ते के लिए बनाया है, जैसे कि मैं दो से तीन बार इस्तेमाल कर सकूं। मैंने इतना बनाया, मैंने ज्यादा नहीं बनाया है, ठीक है। आप लोग भी इतना ही बना के देखना, ज्यादा नहीं देखना, ठीक है। मैं कोई भी चीज बताती हूँ तो आप लोग उसी हिसाब से बना के देख लिया करो, पहले थोड़ा थोड़ा, फिर आप लोगों को अगर फायदा मिले तो ही आप लोग ज्यादा बनाया करो, ठीक है। अब इसमें हमें मिलाना है हबिस्कस पाउडर। अगर किसी के पास में ताजा फूल हो तो वो कूट कर ताजा फूल इसमें डाल सकता है, और अगर ताजा फूल नहीं है तो वो पाउडर है उनके पास में, तो पाउडर की एक चम्मच मिला सकता है। सौ ग्राम ऑयल वाले में एक चम्मच, अगर 200 ग्राम ऑयल है, 200 से 250 ग्राम, तो उसमें आप दो चम्मच ले सकते हो। मैंने एक चम्मच ले रही हूँ इतना, ठीक है। और अगर किसी के पास में नहीं है तो वो ऐसे ही भी डायरेक्ट ऑयल लगा सकता है। और इसके साथ में हमें एक टोनर, और एक टोनर चलेगा इसके साथ में, जो वो जरूरी है इसके साथ में, उसकी भी वीडियो धीरे धीरे आ जाएगी। अगर आप लोगों के पास में ताजा फूल होना तो वो और भी बेस्ट है, और अगर किसी के पास में ताजा फूल है तो उन्हें सुखाकर भी कूट के भी डाल सकता है, और ताजा भी कूट के डाल सकता है। अगर ताजा है तो वो ताजा ही कूट के डाले, ठीक है। और फिर चाहिए हमें विटामिन ई के कैप्सूल, कम से कम आप 100 ग्राम ऑयल है तो इसमें कम से कम आप 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल डाल सकते हो। चार नहीं तो तीन तो डालना ही डालना। ठीक है, हाय हाय, कैची से बाल कट जाते अभी तो मेरे। हो गया। और हाँ, अगर कोई कैस्टर ऑयल मिलाना चाहता है और उसके पास है तो वो एक चम्मच मिला सकता है, ओके। ये ऑप्शनल है, पर गुड़हल का जो फूल है वो जरूरी है इसमें डालना, ठीक है। या फूल डालो ताजा कूट के, या पाउडर डालो, जो भी डालना। और आप अगर नहीं है किसी के पास में तो डायरेक्ट ऑयल बना के जो भी सामान है बना के डाल सकता है, ठीक है। पर जो सामान मैंने ऑयल में बनाने के लिए डाला है छौक के टाइम पे, वो तो पूरा चाहिए, उसमें कंजूसाई नहीं करना, ठीक है। एक चम्मच कैस्टर ऑयल, ठीक है।
ये ऑयल बन के तैयार हो गया है। अब इसके बारे में मैं बता देती हूँ, इसे कैसे कैसे लगाना है। इसे लगाना है हमें हफ्ते में 2 टाइम, ठीक है, 2 बार लगाना है। नाइट में लगाना है हमें, ठीक है। और इसके साथ में एक टोनर आएगा, मतलब जो इसका आएगा इसके साथ में वो आएगा, और वो चलेगा और ये चलेगा, ठीक है। और हमारा होममेड शैम्पू चलेगा, ओके, अभी यही चलेगा हमारा। तो इसको लगाना है हमें 2 टाइम, ठीक है, बालों में। और कोई 2 दिन रखना चाहता है तो 2 दिन रख सकता है, नहीं तो आप नाइट में लगाओ और सुबह हेयर वॉश आप कर लो। और आपको जो टोन, आपको जो इसके साथ में मैं जो बना बताने वाली हूँ, जो पानी इसके साथ में हमें लगाना है, वो हमें इसको पहले लगाना है और फिर इसको 1 घंटे बाद लगा के जब हम जूड़ा बना ले तब हमें उसको लगाना है, ठीक है। कॉम नहीं करना है तब तक उसको लगाना है, और उसको लगा के जब आधा घंटा हो जाए अच्छे से तब हमें कॉम करनी है हल्के हल्के हाथों से, ठीक है। दोनों चीजें हमें ऐसे लगाना है। तो इसे लगा के और इसे बना के हम कम से कम 1 महीने रख सकते हैं बना के। और इसे कांच की बोतल की जरूरत नहीं है, आप किसी में भी रख सकते हो, प्लास्टिक की में रख सकते हो, ऐसे स्टील के उसमें भी रख सकते हो, जो आपके पास में हो आप उसमें रख सकते हो, ओके, ठीक है। अब इसे लगाना कैसे वो देख लो, मैं लगा के बता देती हूँ।